हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, डिफेंस किसी भी देश का बैकबोन होता है, क्योंकि एक देश में चाहे कितनी भी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आ जाए, लेकिन अगर उसके पास एक अप टू डेट डिफेंस सिस्टम ना हो तो वह दुनिया के बाकी देशों के बराबरी में कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और एक देश के लिए इससे बुरा हो भी क्या सकता है। और बात ऐसी नहीं है कि दूसरे देशों के बराबरी में खड़े होना एक स्टेटस सिंबल है। इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरे देशों की बराबरी में खड़ा होना बेसिकली एक देश को इस काबिल बनाता है कि वह हर तरह की परिस्थिति को फेस करने में सक्षम हो। इसके अलावा दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जो अपने लिए ही ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिनसे उनका खुद का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्हें निकलने के लिए जो भी मींस मिले उनका सहारा लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ बात हो रही है रशिया की, जिसने कुछ महीने पहले यूक्रेन के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दी, पर अपने इस कदम की वजह से उनको बहुत ज्यादा ग्लोबल क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी, जो काफी हद तक वाजिब थी। और फिलहाल ये वॉर अपने उस चरम तक पहुंच चुका है जहां दोनों ही देशों को रिसोर्सेज की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रशिया ने बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन मंगवाया है जो बहुत ही आसानी से अपने दुश्मनों को ढेर कर सकता है। जिन वेपन्स को हम SU-57 और S-70B कॉम्पैक्ट UAV के नाम से जानते हैं, और इन वेपन्स का इस्तेमाल रशिया साल 2024 तक करना शुरू कर सकती है। फिलहाल इसके डिजाइनर्स ने फाइनल डिजाइन को फाइनलाइज कर दिया है। अगर वेपन्स की क्षमता की बात करें तो जेम्स स्टीफन के हिसाब से 28 मई को दोनों मिसाइल्स की सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई, और आगे जाकर इस बात को रशियन सरकार द्वारा भी कंफर्म किया गया। वेपन्स में एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जिसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनास और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS द्वारा करेक्ट किया गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये दोनों हथियार कितने ज्यादा एक्यूरेट होंगे। और एक लंबे वक्त तक इन मिसाइल्स के डिजाइन को एडिट किया गया है ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो वह हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो हमें पता चलता है कि रशिया की कितनी उम्मीदें इन वेपन से जुड़ी है। ऐसे में वक्त ही बताएगा कि रशियन आर्मी में इन हथियारों का एडिशन दुनिया के लिए क्या रंग लाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।